कब आएगा साल अच्छा बताता नहीं कोई, सब यही कहे जाते हैं कि ये साल बुरा है। लेकिन दोस्तों, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये जो साल आया है ये अच्छा नहीं बहुत अच्छा हो, इसी आशा, इसी उम्मीद और इसी उमंग के साथ आज के कार्यक्रम का करते हैं शुभारंभ। स्वागत है आप सभी का स्वच्छ भारत में। और हमने जैसा कि आपसे हमेशा कहा है कि हम यही आपसे अनुरोध करते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन जो है ये साकार हो, 2019 के अपने लक्ष्य को हासिल करें, हमारी यही कोशिश है, यही प्रयास है। और इसी दिशा में आज अपने स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है सुप्रिया मिश्रा जी को, जो कि फतेहाबाद आगरा में BDO हैं, यानी खंड विकास अधिकारी हैं। तो सबसे पहले करते हैं उनका स्वागत। सुप्रिया जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो नव वर्ष में आपसे भेंट हो रही है, आपको भी नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई। आपको भी मैडम जी। तो आपसे सुप्रिया जी अगर समझना चाहें आपके क्षेत्र के बारे में, वहाँ इस मिशन को लेकर किस तरह का काम हो रहा है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। हमारे यहाँ स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत गाँवों में शौचालयों का निर्माण हो रहा है। सफाई के लिए गाँवों में कूड़ेदान रखे जा रहे हैं। लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कूड़ा एक जगह पर एकत्र हो, वहीं पर डालें, कूड़ेदान में का ही प्रयोग करें, साफ़ सुथरे जल का प्रयोग करें, और जो भी हमारे हाथ धोने के तरीके हैं, घर में सफाई रखने के तरीके हैं, ये हमारे स्वच्छता प्रेरक हमारे अधिकारियों के द्वारा गांव में बताया जाता है। जी, तो इस मिशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें आपको लोगों से मिलना होता है, उनको समझाना होता है। जी, जागरूकता की जब बात करते हैं जी, तो क्या लगता है आपको, कितना लोग समझ रहे हैं और कितना समझाने की अभी ज़रूरत है? देखिए, जब गाँव में हम लोग गोष्ठियाँ वगैरह करते हैं या मीटिंग करते हैं तो ज़्यादातर पुरुष तो उस मीटिंगों में आ जाते हैं, लेकिन महिलाओं की सहभागिता बहुत कम रहती है। या तो जो मजदूर तबके की महिलाएँ हैं उनका 2-4% महिलाएं आ जाती हैं, या जो बहुत एक्टिव महिलाएं हैं जी, जैसे वो शिक्षिका हैं या हमारी ANM है या आंगनवाड़ी वर्कर हैं, ऐसी महिलाएं आ जाती हैं, तो उनको तो हम बता देते हैं। लेकिन जो मेरी घर में चार दीवारी में बंद महिलाएं, जो घर में काम करती हैं, घरेलू महिलाएं, जब तक ये बात उन तक नहीं पहुँचती है तब तक ये हमारा अभियान उतना सफल नहीं होगा जितना हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो उसके लिए ये समस्या हमारे सामने ये आती है, हम लोगों के सामने, वो तो एक पूरे सरकारी तंत्र की बात है, एक BDO या एक ब्लॉक की बात नहीं है जी। तो उसमें जब महिलाओं से संपर्क करने के लिए जाते हैं तो उसमें जो उनके परिवारीजन, खास तौर से जो पुरुष लोग होते हैं जी, उनको समझाना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि उनको तो ये लगता है क्या बात है भाई, आप हमें बताइए, हम बता देंगे। महिलाओं को वो डायरेक्ट फेस टू फेस बताने से ज़्यादा अपना समझ के तब उनको बताने की बात करते हैं जी। तो ये कम्युनिकेशन गैप जो हमारा है, एक तरफ तो हम लोग कहते हैं कि हमारी आधी आबादी महिलाओं की है जी, और दूसरी तरफ जो हमारी सरकारी योजनाएं हैं उसमें हमारी महिलाओं की संख्या रह जाती है 10%, 5%, 2%। तो इस परसेंटेज को जब तक हम नहीं बढ़ाएंगे तब तक ये अभियान हमारे सफल नहीं होते, क्योंकि सफाई का ज़्यादातर ध्यान जी, किस तरह से बच्चों को साफ रखना है, किस तरह से घर को साफ रखना है, किस तरह के पानी का इस्तेमाल करना है, तो ये चीज़ें हमारी महिला जो गृहिणी होती हैं, पानी पीने का वो रखती हैं पुरुषों के समक्ष, अपने परिवारजनों के समक्ष, बच्चों को वो खाना खिलाती हैं, बच्चों को वो नहलाती हैं, तैयार करती हैं, स्कूल भेजती हैं, पकाती भी हैं। तो सबसे ज्यादा सफाई और स्वच्छता की जानकारी उन महिलाओं के लिए, बिल्कुल। तो इसमें महिला वॉलंटियर जो हमारी है जहाँ पर महिलाओं के द्वारा, जैसे मैं हूँ, मैंने एक आध बार ये देखा कि किसी गाँव में, हमने ये देखा है कि जब हम उस गाँव में आज गए तो देखा थोड़ा सुधार हुआ, सफाई हो रही है, 4 दिन बाद जा रहे फिर गंदगी हो रही। तो मैंने ये कहा कि भाई जब मैंने ये कूड़ेदान रखवा दिए, यहाँ सफाई के लिए आपकी व्यवस्था कर दी, यहाँ पर आपके नेफिट के गड्ढे बने हैं, फिर आप लोग इस तरह से चारों तरफ बेतरतीब कूड़ा क्यों फैलाते? बिल्कुल। और गांव का जो स्वच्छता का अभियान और सौंदर्य है वो नष्ट होता है। जैसे हमने वहाँ पर वृक्षारोपण लगाए किया, हमने वन ट्री गार्ड लगवा दिए, पता चला उसी किनारे उन्होंने कूड़ा इकट्ठा करना शुरू किया। सुप्रिया जी, सोच बदलने की जो आपने बात की, जो समस्याएं आपको आती है ये भी आपने बताया, समाधान क्या है इसका? समाधान ये है हमारा कि जैसे हमारी पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था है, इसमें महिलाओं की सहभागिता के लिए 33% का आरक्षण किया गया। अब 33% आरक्षण इसीलिए किया गया है कि हमारी गाँव की महिलाएं आए और हमारे जो जिस स्तर के सदन हैं, चाहे ग्राम पंचायत स्तर का हो, चाहे क्षेत्र पंचायत स्तर का हो, चाहे हमारा जिला पंचायत स्तर का हमारा वो सदन जी, उसमें हमारी वो 33% महिलाएं जिनको जनप्रतिनिधि के रूप में हमने हमारी गांव की जनता ने चुना है, वो आके अपनी बात कहें, अपनी समस्या रखें, और हम जैसे सरकारी तंत्र से जुड़े हुए व्यक्ति
उस बात को समझ के उनकी समस्या का निराकरण करें। जी, तो स्वच्छ भारत मिशन की बात हो रही है और जैसे कि समाधान की बात हुई है, संवाद की बात अभी की सुप्रिया जी ने कि महिलाओं को अगर उसमें शामिल किया जाए, उसमें आंगनबाड़ी के कार्यक्रम भी होते हैं, आशा बहनों की बात करें, स्वच्छता दूत है, स्वच्छता प्रेरक हैं, संवाद की बात हो रही है, लेकिन बहुत बार ये कहा जाता है कि जो दृश्य होते हैं ना वो भी बहुत आपको प्रभावित करते हैं। अभी पिछले दिनों की अगर बात की जाए तो सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अरुण जेटली ने जो कैलेंडर है स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ा हुआ, उसमें वो 12 महीनों के लिए वो एक तरह से आएगा जो रोड मैप जिसे हम कहते हैं ना, वो एक तैयार हमारे सामने था कि हर महीने किस तरह से काम आगे बढ़ना चाहिए, उसका जो है वो जारी किया गया कैलेंडर। महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के उद्देश्य से सरकार की कोशिश ज्यादा से ज्यादा लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक करने की है। इसी उद्देश्य के तहत भारत सरकार ने वर्ष 2015 के वॉल कैलेंडर का थीम स्वच्छ भारत हरित भारत रखा है। नई दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने एक समारोह में इस कैलेंडर को जारी किया। 2015 की ढेरों शुभकामनाओं के साथ, ये भारत सरकार का 2015 का कैलेंडर। इस कैलेंडर में अलग अलग महीनों को आकर्षक ढंग से डिजाइन किया गया है। पहला एक सामाजिक कार्यक्रम है स्वच्छ भारत का, और इसलिए वो कार्यक्रम इस कैलेंडर के विजुअल्स में रिफ्लेक्ट। हर माह के साथ स्वच्छ भारत का एक संदेश है, जहां जहां ये कैलेंडर दिखेगा वहां वहां ये स्थायी रूप से स्वच्छ भारत का एक संदेश फैलाएगा। और मुझे विश्वास है कि स्वच्छता के इस कार्यक्रम को ये आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण योगदान देगा। साल के पहले महीने जनवरी का थीम है स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ। स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ भारत विषय के साथ फरवरी का पेज छात्र छात्राओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। नदियों की महत्ता को जन जन तक पहुंचा रहा है मार्च का महीना। स्वस्थ भारत की पहचान है साफ सुथरे अस्पताल, इस संदेश को दे रहा है अप्रैल का महीना। रेलवे स्टेशनों पर सफाई की अहमियत कितनी जरूरी है ये बता रहा है मई का महीना। जून महीने का पेज आस्था और विश्वास का पर्याय बन चुकी गंगा नदी की वर्तमान स्थिति दर्शा रहा है। गंदगी मुक्त भारत बनाने के लिए जन भागीदारी की अहमियत पेश कर रहा है जुलाई का महीना। ग्रामीण भारत में स्वच्छता की जरूरत को उजागर कर रहा है अगस्त महीने का पेज। वर्तमान समय में सौर ऊर्जा की आवश्यकता को बेहतरीन ढंग से पेश किया गया है सितंबर के पेज पर। अक्टूबर महीने पर प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाने के लिए पवन ऊर्जा की महत्ता को दिखाया गया है। हिमालय घाटी के क्षेत्रों के संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने की कोशिश नवंबर महीने के पेज के सहारे की गई है। वर्ष का अंतिम महीना यानी दिसंबर का थीम है वन्य जीवन संरक्षण। काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो, एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय।
तो जैसा कि हम आपसे कार्यक्रम की शुरुआत में कह रहे थे कि नव वर्ष में नई सोच के साथ, नई उमंग, नई दृढ़ता के साथ हमें प्रयास करने हैं और इस मिशन को साकार करना है, आंदोलन का रूप देना है। तो गाँव की जब बात आती है तो ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह से काम किया जा सकता है, किस तरह से काम हो रहा है, यही समझने की हम कोशिश कर रहे हैं सुप्रिया मिश्रा जी से। बहुत बार हमने ये भी सुना है ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखा जाए तो कूड़ा डालने के लिए कूड़ेदान उपलब्ध नहीं होता है। जी जी। एक प्रॉपर तरीके से जिसे कहना चाहिए जिसमें सामूहिक रूप से लोग कूड़ा डाल सकें और उनको लगे कि यहाँ पे ही डालना चाहिए और कहीं नहीं, निर्धारित स्थान पर। आपके यहाँ भी कुछ इस तरह की दुविधा? मैंने कूड़ेदान बनवाए हैं। अच्छा। हाँ, मैंने उसके सीमेंट के कूड़ेदान बनवाए और उस पर लिखा है कूड़ादान और मेरा प्रयोग। अच्छा। हाँ, जी। ये उसमें स्लोगन टाइटल उसमें प्रिंट कराया है। बिल्कुल। और अभी तो मैंने फिलहाल कुछ सरकारी जगह, पंचायत घर हैं, स्कूल हैं, वहाँ पर वो रखवाए हैं। अच्छा। और इसकी स्टार्टिंग मैंने लोहिया गांव में की है। जी बिल्कुल। और भी हमने न्याय पंचायत स्तर के 10 गांव सिलेक्ट किए हैं, जो हमारे निर्मल गाँव हैं उनको भी सिलेक्ट किया है इसमें। सुप्रिया जी, आपका विश्वास है कि 80 से इसको 100 पे आप लाएंगी और दर्शकों हमारा भी यही विश्वास है कि इस कार्यक्रम को देखते देखते आप भी ज़रूर प्रभावित होंगे, प्रेरित होंगे और अपने क्षेत्र में जहाँ तक स्वच्छ भारत मिशन की बात है, खुले में शौच की समस्या से निदान की बात है, कूड़े के निपटारे की बात है, आप भी उसमें सहयोग करेंगे और अपने आसपास के वातावरण को, अपने गाँव को स्वच्छ करेंगे। तो आइए इसी कड़ी में अब चलते हैं मोहाली और वहाँ देखते हैं स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत किस तरह का काम हो रहा है। स्वच्छता का सीधा संबंध स्वास्थ्य से है। स्वच्छ माहौल में ही स्वस्थ रहने की कामना की जा सकती है। पिछले कुछ समय से देश भर में स्वच्छता के प्रति जागरूकता देखने को मिल रही है। सरकार की ओर से चलाए जा रहे स्वच्छ भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य लोगों को साफ सफाई की अहमियत से अवगत कराकर उन्हें निरोगी वातावरण मुहैया कराना है। सरकार की कोशिशों का असर अब हर तरफ दिखने लगा है। गांव से लेकर शहरों तक और विद्यालयों से लेकर अस्पतालों तक हर जगह स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी श्रृंखला में पंजाब के मोहाली स्थित सरकारी अस्पतालों में भी साफ सफाई के प्रति विशेष जागरूकता देखने को मिली। 24 घंटे सफाई कर्मचारी अस्पताल को साफ सुथरा बनाए रखने की कोशिश करते हैं। समय समय पर इन सफाई कर्मचारियों को नई नई तकनीकों से अवगत भी कराया जाता है। भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में आज भी स्वच्छता के प्रति उदासीनता देखने को मिलती है। कुछ समय पहले तक इस क्षेत्र के भी बहुत सारे लोग खुले में शौच जाने को अभ्यस्त थे। खुले में शौच जाने की आदत के कारण वातावरण तो प्रदूषित हो ही रहा था, साथ ही साथ लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा था। स्वच्छ भारत मिशन की ओर से अब बहुत सारे घरों में शौचालय बन गए हैं। शौचालय बन जाने से अब लोगों की स्थिति में बहुत परिवर्तन हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 80% से ज्यादा बीमारियां प्रदूषित जल और सीवेज डिस्पोजल प्रणाली की उचित व्यवस्था न होने के कारण होती है। इन सब से निजात दिलाने में स्वच्छ भारत मिशन अहम साबित हो रहा है। इस अभियान के सहारे लोगों को हर संभव जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। सरकार ने पहले से तो बहुत विकास किया है हमारे यहाँ पर। पहले लोगों को बोतल लेकर जाना पड़ता था, खेतों में जाना पड़ता था, पर अब लैटरिन बाथरूम सरकार ने सुविधा दी है। बाकी रोड गली भी पक्की बना दी है। पहले पानी निकास नहीं होता था, अब मोटी पाइप डलवा के पानी के निकास के लिए भी किया गया है। बाकी हर सुविधा उपलब्ध है, लैटरिन वगैरह सब पिंड से बड़ी सुविधा सब न हो गई है, बहुत अच्छा हो गया हूँ। तो साढ़े जो बीबियाँ जंगल पानी आज तो घट्टो घट 1.5-2 किलोमीटर दूर बाहर पिंड लैटरिन जाती सी, उन्होंने लैटरिन बना के घर के रहने का, उन्होंने जीवन सुखमा करने का मौका दिता है।
स्वच्छ भारत मिशन का असर मोहाली के इन गांवों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। अब यहां कुछ स्थानों पर सामूहिक शौचालय भी बन गए हैं, जिससे लोगों को बहुत राहत मिली है। ज्यादातर घरों में शौचालय की सुविधा उपलब्ध होने से अब यहां कोई भी व्यक्ति खुले में शौच के लिए नहीं जाता है। स्वच्छता के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी इस गांव ने बहुत प्रगति की है। इसी कारण लोगों के जीवन में अब बहुत हद तक सुखद परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आधा मिनट आपके चाहने वालों के साथ आपको दिन भर की खुशी देता है। आधा मिनट आपके पसंदीदा गाने का आपको पूरे हफ्ते की ऊर्जा देता है। आधा मिनट क्रिकेट के मैदान पर आपकी पसंदीदा टीम को चैंपियन बना सकता है। और आधा मिनट खाने से पहले साबुन से हाथ धोना आपकी और आपके चाहने वालों की जान बचा सकता है, क्योंकि साबुन से हाथ धोने से डायरिया से बचाव होता है। हम साथ मिलकर डायरिया पर विजय पा सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। तो देखा हमने मोहाली में किस तरह का काम हो रहा है स्वच्छ भारत मिशन को साकार करने की दिशा में, और हमारे कार्यक्रम में क्या हो रहा है आप जानते हैं। हम बातचीत कर रहे हैं सुप्रिया मिश्रा जी से। सुप्रिया जी, हम आपसे बात कर रहे थे, महिलाओं की बात बहुत हो रही है, तो हम क्या ये मान लें कि पुरुषों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? पुरुषों की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है जी, क्योंकि महिलाएं पुरुषों से, जब गाँव की महिलाएं हैं और पुरुष ही जब तक मोटिवेट नहीं होंगे तो वो अपनी महिलाओं को क्या मोटिवेट कर पाएंगे, क्योंकि जब हम उनको कोई बात बताने के लिए जाते हैं तो कहते हैं आप मुझे बता दीजिए, मैं उनको बता दूंगा, तो क्या मतलब हुआ कि उनकी बात वो मानती हैं। तो अगर ये ही बात मान लें तब भी ये काम क्या हमारा सफल हो सकता है कि हमारा जो मिशन है उस मिशन को हम पूरा कर सकते हैं। तो अब सुप्रिया जी, विद्यालयों की अगर बात की जाए तो वहाँ पे तीन पक्ष हैं। जी, जी। एक तो शौचालय के इस्तेमाल की बात है कि घर में बच्चियां हैं, बच्चे हैं, देखते हैं कि माता पिता खुले में जाते हैं, दादी फूफी सब लोग, तो उनको लगता है ये तो आम सी बात है। तो स्कूल में शौचालय उपलब्ध है, उसके बाद भी वो उसका इस्तेमाल नहीं करते। दूसरी समस्या आती है कि स्कूल में भी बच्चे खाना खाएं, चाहे खेलें कूदें, तो कूड़ा और गंदगी जो है उसको डस्टबिन में डालना चाहिए, कूड़ेदान में डालना चाहिए, इसकी सीख उनको अपने आप से तो नहीं होती है। जी, जी, और शिक्षकों से भी अपेक्षा पूरी तरह करना मुश्किल होता है। और तीसरा पक्ष है जी, जो पीने का पानी है, जी, जी, वो साफ पानी हो, हाथ धोकर पानी पिए, ये भी उनको नियमित रूप से समझाना। जी, आपके क्षेत्र की विशेषकर अगर बात करें, और आप इसके अलावा औरैया में भी काम कर चुकी हैं, इटावा में काम कर चुकी हैं, फरुखाबाद में कर चुकी हैं, आपका अनुभव क्या कहता है कि इधर कुछ परिवर्तन देख रही हैं आप? जी, परिवर्तन आया है। स्कूल में जब अब एमडीएम खाने बच्चे जाते हैं, जी, जब एमडीएम का उनका मिड डे मील की बात करें, हाँ, मिड डे मील में तो सबसे पहले वो हाथ धोते हैं। और जो हमारे स्वच्छता मिशन में जो स्टेप बताए हैं कि किस स्टेप से हाथ धुलना चाहिए, उस स्टेप से बच्चे, ज्यादातर बच्चे हाथ धुलना शुरू कर दिए हैं। लेकिन ये भी बात वहीं पर आ रही है कि जब हम थोड़ा उस पर गौर करें, शिक्षक भी उस पर ध्यान दें कि जैसे हम बच्चों को खाना खिला रहे हैं तो बच्चे किस प्रॉपर वे में वो हाथ धुल रहे हैं, किस प्रॉपर वे में वो बैठ रहे हैं, किस प्रॉपर वे में वो पानी पी रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बार बार गंदी जमीन छूके और गिलास को पी रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को हमारे शिक्षकों को भी थोड़ा सा मोटिवेट यानी प्रेरित किया जा रहा है और हो रहे हैं जी। तो ये आप तो ये मैडम ये तो समझती हैं कि हर व्यक्ति अपने दायित्वों को उतना नहीं निभा रहा है जी। अगर हर व्यक्ति यही सोच ले, जैसे उनको हमने शौचालय बना दिया, तो हमें उनकी सोच भी बदलनी है। बिल्कुल, उनकी सोच भी बदलनी है। और सोच बदलने के लिए हम जब तक खुद मोटिवेट ना हो, हमसे कोई कुछ भी कहे, बार बार ये कहे कि आप ये काम करिए, ये काम करिए, लेकिन हमें तब कर पाएंगे जब हम अंतर मन से उस चीज को ग्रहण करें। बिल्कुल। तो जैसे कि सुप्रिया जी बता रहे हैं कि अंतर मन से आवाज उठनी चाहिए, अगर आपका मन जागृत हो जाए, उसमें चेतना आ जाए कि हम गंदगी नहीं फैलाएंगे और अपने आसपास साफ सफाई की तरफ ध्यान रखेंगे और लोगों को भी प्रेरित करेंगे, तो बहुत कुछ किया जा सकता है। हमारी भी ये कोशिश रहती है कि आपको भारतवर्ष के अलग अलग क्षेत्रों की गाथाएं, वहाँ पर जिस तरह की कोशिशें काम हो रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, उनसे अवगत कराएं, ताकि आपको भी लगे हमें भी अपने क्षेत्र को साफ करना है, स्वच्छ करना है। तो इसी कड़ी में आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। वर्ष 2019 तक भारत को संपूर्ण रूप से स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से सरकार की ओर से ढेर सारे प्रयास किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में छात्र छात्राओं को
स्वच्छ भारत मिशन से जोड़ने के नजरिए से बाल स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर शुरू हुए इस अभियान ने बहुत कम समय में ही लोकप्रियता हासिल कर ली है। भारत के बहुत सारे स्कूलों में स्वच्छता से जुड़े कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भारत के उत्तर पूर्व में बसे लेह के विद्यालयों में छात्रों का साफ सफाई के प्रति उत्साह देखने को मिला। लेह के जवाहर नवोदय विद्यालय में छात्रों ने सामूहिक तौर पर विद्यालय की साफ सफाई की। छात्रों ने स्वच्छता को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया है। वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में नाखून छोटे रखने, साफ कपड़े पहनने और खाना खाने से पहले और शौच के बाद साबुन से हाथ धोने पर विशेष ध्यान देते हैं। छात्रों ने स्वच्छता की शपथ भी ली है। हम सभी नवोदय विद्यालय ले के छात्र छात्राएं पूरे विद्यालय एवं आस पड़ोस को स्वच्छ रखने की शपथ लेते हैं। हम सभी पूरी ईमानदारी एवं लगन से इस अभियान में जुड़े रहेंगे, साथ ही साथ हम सभी दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। हम सभी का यही है लक्ष्य, हमारा देश रहे स्वच्छ। छात्र समाज में स्वच्छता दूत की भूमिका भी निभा रहे हैं। छात्रों के जागरूक होने से न सिर्फ उनका परिवार साफ सफाई के प्रति सचेत होता है, साथ ही उनके आसपास रहने वाले लोग भी स्वच्छता को अपने जीवन का हिस्सा बनाने की कोशिश करते हैं। लेह के केंद्रीय विद्यालय में भी साफ सफाई की अहमियत से छात्र पूरी तरह जागरूक दिखे। हम अपने मोहल्ले, हम अपने अस्पताल, मंदिर में भी हमेशा साफ जारी रखेंगे। पूरे विद्यालय में गंदगी का नजारा कहीं नहीं दिखा। यहाँ वहाँ बिखरी गंदगी और खासकर वृक्षों के सूखे पत्तों को कूड़ेदान में डालकर ही वहाँ से हटाया जाता है। इस उम्र से ही छात्रों में स्वच्छता के प्रति ये उत्साह देखना रोचक रहा। बच्चों में स्वच्छता के प्रति उत्सुकता अगरतला के केंद्रीय विद्यालय में भी देखने को मिली। इनकी गतिविधियों को देखकर ऐसा लगा कि मानो इन्होंने अपने विद्यालय को साफ बनाए रखने का प्रण ले लिया हो। हमें अपने आसपास साफ सफाई रखना चाहिए, हमें अपना विद्यालय साफ रखना चाहिए। हम लोगों को सफाई रोज करनी चाहिए। हम लोग अगर सफाई नहीं करेंगे तो चारों तरफ गंदगी फैल जाएगी। गंदगी के साथ हम लोग नहीं चल सकते। हम लोगों को अपने नाखून, अपने कपड़े और सभी आदि चीजें साफ रखनी चाहिए, जिससे हमारा मन साफ होता है। इस विद्यालय के छात्र छात्रा साफ सफाई के प्रति विशेष रूप से जागरूक नजर आए। बाल स्वच्छता अभियान में छात्रों का बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना सुनहरे भविष्य की ओर एक सकारात्मक कदम की तरह है। तो सुप्रिया जी, जैसा कि हमने इस रिपोर्ट में भी देखा कि काम तो हो रहा है देश भर में, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक तो उसको गति देने की जरूरत है, दूसरा लोगों में जागरूकता लाने की जरूरत है कि लोग इसके महत्व को समझें। लेकिन शौचालय बनवाने की जब बात आती है, उसमें डिजाइन की बात होती है, किस तरह का हो, तो वो हर क्षेत्र की अपनी एक आवश्यकता होती है। उसमें आपका अनुभव क्या कहता है? शौचालय बनता है जी, तो जिस समय वो निर्माण उसका हो रहा होता है, तो एक एक तकनीकी जो हम लोग जिस तरह से उसको बनाते हैं, उसकी डिजाइन है, उसकी क्या विशेषता है, क्यों ये बनाई गई है। जैसे हमारा उसका जंक्शन चैम्बर है, वो क्यों बनाया जाता है, ये भी उस परिवार के व्यक्ति को, और उस परिवार के ही व्यक्ति को नहीं, जब बन रहा है तो वो तो खुले में बन रहा है जी। ये कहीं कहीं अंदर बनते हैं, नहीं ज्यादातर 99%
गांव के लोग शौचालय गांव अपने घर के बाहर बनवा रहे हैं, तो वहां पर आसपास के लोगों को भी बताया जाए कि ये जंक्शन का मतलब है कि इसमें दो गड्ढे, जब एक गड्ढा भर जाए तब इसको इधर से बंद कर दिया जाता, दूसरा भर जाएगा और फिर तब तक ये गड्ढे का आपका फिर दोबारा रीस्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से उनको बताना पड़ता है, और जब ये चीज जो लोग समझ लेते हैं वो तो उस चीज को मान लेते हैं, नहीं वरना क्या कहते हैं, अरे मैडम हाथ भर के उससे गड्ढे से थोड़ी ना इतना हमारे परिवार का गुजर हो जाएगी भाई, क्योंकि एक मीटर हमारी गहराई, उसका भी टेक्निकल हमें बताना पड़ता है कि देखिए कि अगर आप वो ये चाहते हैं कि 3 मीटर गहरा हो जाए, 6 मीटर गहरा हो जाए, कहीं कहीं मैंने ये देखा कि हम लोगों ने नहीं कहीं देखी है ये गड्ढा कर लेना 1 मीटर का, बस कह के हम लोग तो चले आए, और वहाँ पर लेबर ने क्या किया, उसी जो जिसका वो शौचालय है उसी लाभार्थी ने उसको 6 मीटर गहरा खोदा। 1 मीटर का गड्ढा छोटा भले ही है या थोड़ा आपको लग रहा है, लेकिन 1 किलो मल को वो 10 ग्राम में परिवर्तित करता है, लेकिन आप 6 मीटर का बना दोगे तो जितना डालोगे उतना ही पड़ा रहेगा जी। और उसके दूसरा कारण है कि वो जो हम लोग पानी पीते हैं, जो हमारी पेयजल है के स्रोत हैं, वो सब दूषित होते हैं। तो ये चीज जब बताने लगे और उनको इसकी भयानक स्थिति बताई गई कि इससे क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं, तो उन्होंने तुरंत उसको बंद किया और दूसरी जगह अपने गड्ढे खुदवाए। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं, जैसे कि सुप्रिया जी बता रहे हैं कि महिलाओं की भागीदारी की बात हो, कूड़े के निपटारे की बात हो गाँव में, इसके अलावा बच्चों को सिखाने की बात हो, पीने का पानी है, हाथ धोना है, शौच के लिए शौचालय का इस्तेमाल की बात हो, छोटी छोटी चीजें हैं और बहुत ही इनका अगर इस्तेमाल हम समझ लें तो बहुत ही बड़ा फायदा इससे हमें हो सकता है। थोड़ी सी जागरूकता, थोड़ी सी समझ बहुत कारगर हो सकती है, ये हमें समझना होगा। सुप्रिया जी, आप कार्यक्रम में आई, इतनी अच्छी जानकारी दी आपने, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक इसे ज़रूर लाभ लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। और दर्शकों, इसी के साथ आपसे आज के अंक में हम लेते हैं अनुमति, और यही आशा करते हैं कि नव वर्ष हम सबके लिए मंगलमय हो, जो काम हम करना चाह रहे हैं वो सब पूरे हों, सबके सफलता हम सबको मिले, इसी आशा के साथ आज के कार्यक्रम में आपसे लेंगे अनुमति। लेकिन जाने से पहले आपको अपना पता एक बार फिर से बता दे, जहां पर आप अपनी प्रतिक्रियाएं, कार्यक्रम के विषय में कोई सुझाव या आपके क्षेत्र में कोई काम हो रहा है तो उसके बारे में हमें लिख के भेज सकते हैं। पता हमारा वही है, स्वच्छ भारत, कमरा नंबर 625, दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन भवन फेज 2, मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। और हमारा ईमेल एड्रेस है sb@ddkdelhi.org.in। तो इसी के साथ आज के अंक में आपसे लेते हैं अनुमति। नमस्कार।